हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर्स में ये देखेंगे एग्जाम से पहले एग्जाम का वीवीए क्वेश्चंस या फिर ओ का ले एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो कि सबको पता है सबसे लास्ट पेपर, इससे पहले आपने चार पेपर का एग्जाम दे चुका है। अंदाज़ा लग ही गया होगा सबको किस तरह का क्वेश्चन था पॉलिटेक्निक क्लासेस का था गेसिंग, और आई होप ये लास्ट पेपर भी आपको बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कंफर्म तो नहीं, लेकिन 99.9% जरूर बोलूँगा कि आप लोग का एग्जाम बेहतर जाएगा। ठीक है, तो चार पेपर आपका कैसा गया है एक बार रिव्यू जरूर दे देंगे आप लोग। एग्जाम अच्छा गया तो एक और कमेंट करके जरूर बता देंगे कि एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है सर हम लोगों का। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा सारे क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का, एग्जाम से पहले एग्जाम का ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का वीवीए क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए का। ग्रुप ए का और इसमें होगा एमसीक्यू कितना, तो 30 एमसीक्यू होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, इसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नहीं तो इसके बेस जो भी क्वेश्चंस होता है सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसके सीरीज में देखेंगे। पूछा गया है लोड एंड लाइन इंपेडेंस आर मैच, लोड एंड लाइन इंपेडेंस अगर मैच है तो ESWR या फिर कहीं कहीं बाबू आप लोग को मिलेगा VSWR। ठीक है, चाहे ESWR मिले चाहे VSWR मिले, दोनों को वैल्यू हो वही होता है। ठीक है, इसका मतलब स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसका मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्वेश्चंस कह रहा है कि लोड और लाइन क्या है, मैच है। तो मैच है मतलब हम लोग ऐसे जानते हैं कि ZL बराबर क्या होगा, Z0 अगर मैच है तो, लाइन इंपेडेंस बराबर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। ठीक है, तो इसके टर्म में एक आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि VSWR बराबर होता क्या है। तो VSWR बराबर होता है 1+K, या कहीं कहीं रो लिखता है और कहीं कहीं K, उससे दिक्कत नहीं है, 1-K। जहाँ K क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, कहीं कहीं रो लिखता है, और K बराबर होता है ZL प्लस Z0 होता है। अब दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर है तो ZL बराबर किसके, Z0 का बराबर है। तो अब बताओ ZL -0 जाएगा, Z0 -0 करेंगे, आंसर क्या है, 0 बाई आपको आ जाएगा आपको 2 ZL या 2 Z0, यानी ये हम समझेंगे 0 बट्टा समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1+0 बट्टा 1-0। तो 1+0 बट्टा का 1-0 क्या होता है भाई, 1 बट्टा 1, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इससे आपको क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या करता है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का वैल्यू दे देता है कभी कभी 1/3, 2, और तुरंत से पूछ लेता है कि VSWR होता क्या है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, VSWR का वैल्यू दे देता है और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आपसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, आएगा इसी तरह टाइप से।
ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबका ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव ट्यूब इज बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे कौन कौन से ट्यूब। तो आपको बता दें कि इसके बेस्ट जो काम करता है आपका क्लिस्ट्रॉन काम करता है। कौन? क्लिस्ट्रॉन। और क्लिस्ट्रॉन में वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन, वन कैविटी और टू कैविटी। कौन? वन कैविटी और टू कैविटी, और तीसरा जो होता है मल्टी कैविटी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो चाहे वन कैविटी हो तो वन कैविटी को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं या फेमस नाम से आरएफ, या फिर इसको रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं, आरके रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं। ये वन कैविटी का होता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। टू कैविटी को सिंपली क्लेस्ट्रॉन ही बोला जाता है। वो ये क्या होता है? ऑसिलेटर होता है। ध्यान दीजिएगा, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या होता है? ऑसिलेटर होता है। सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू सारा एमसीक्यू यहीं से आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। और टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या होता है? आपका एम्पलीफायर होता है, ठीक है। सारे पॉइंट को एक एक करके नोट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन कौन है? के बीच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव बेस्ड ऑन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। गन डायोड? नहीं भाई, स्टेप अप मैग्नेट्रॉन नहीं, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये आपका सही आंसर है। गन डायोड क्या है? ये आपका ऑसिलेटर है। गन डायोड क्या है? ऑसिलेटर है, ठीक है। स्टेप अप मैग्नेट्रॉन भी ऑसिलेटर है, लेकिन ध्यान रहे कि ये मैग्नेट्रॉन जो है हाई पावर ऑसिलेटर होता है। क्या? हाई पावर ऑसिलेटर होता है, जबकि गन डायोड आपको ये भी ऑसिलेटर होता है, ठीक है। गन डायोड जो काम करता है नेगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस पे, ये क्या करता है? काम करता है। तो इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन वन कैविटी यूज होता है, ठीक है। ये ऑसिलेटर के जैसा काम करता है। ऑसिलेटर क्या करता है? कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते क्या है कि डीसी सिग्नल कोई भी होता है, इसको ऐसे सिग्नल में लोग क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यानी रेक्टिफायर के जस्ट अपोजिट इन लोग क्या करता है? काम करता है ऑसिलेटर। तो ये चीज आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ट्रांजिट टाइम इज गिवन। ट्रांजिट टाइम इज गिवन, ट्रांजिट टाइम जो होता है जनरली कहीं कहीं टाउ, कहीं कहीं आपको टी, इस तरीके से कहीं कहीं स्मॉल टी, इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है? तो ट्रांजिट टाइम जो होता है किसका हम लोग देखे थे? तो ट्रांजिट टाइम में जैसे मान लिया जाए कि ये ग्रेड था, ये कैथोड था और ये आपका एनोड था, ठीक है। तो ये कैथोड थी, एनोड और कैथोड की ये डिस्टेंस होता है पूरा, और उसके बाद इसका क्या होता है? वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन को होता है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जहाँ भी आपको आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कन्वेंशनल ट्यूब का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? ये प्रॉब्लम था, क्रिएशन था, जिसके कारण हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं कर पाया, ट्रांजिट टाइम में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? स्किन इफेक्ट कॉज करेंट फ्लो। स्किन इफेक्ट कॉज करेंट फ्लो, तो स्किन इफेक्ट क्या है? अगर मान लिया जाए कि कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या करते हैं? इसका नियर, इस कंडक्टर के नियर इसका जो सरफेस होता है इस पे क्या होता है? स्किन इफेक्ट, क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये क्या होता है? ऊपर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जहाँ भी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और तीसरा का वो सॉरी देखिए यहाँ से 1 मिनट, तीसरा का डी अपॉन वी नॉट होता है, वी नॉट अपॉन डी नहीं बाबू, ये डिस्टेंस अपॉन, देखिए यही मिस्टेक मत कर, डी डिस्टेंस अपॉन वी नॉट होता है। चार का आंसर ए होगा, चार का आंसर ए होगा, वो ही होगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चार का आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग मैक्स इक्वेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका एकदम इम्पोर्टेंट है। मैक्स इक्वेशन टोटल चार होता है, कौन कौन होता है मैं लिख दे रहा हूँ। कौन होता है? तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू होता है 0, एक होता है डाइवर्जेंस ऑफ, क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ हम लोग बात करें तो देखने को मिलता है डी बराबर आपका रो, और एक होता है कर्ली ई, क्या होता है? कर्ली ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोर, बी बाई डोर क्या होता है? टी होता है। एक जो लास्ट होता है जो होता है कर्ली एच होता है, क्या होता है? कर्ली एच होता है, जो कि होता है जे प्लस डोर डी बाई डोर टी, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? एम्पेयर्स लॉ होते हैं, ये आपका फेराडे लॉ होता है, और कर्ली एच आपका क्या क्या होता है? 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो है गॉस सेकेंड लॉ है, गॉस सेकेंड लॉ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो है गॉस फर्स्ट लॉ, तीसरा
इसको बोला जाता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, इसको गॉस लॉ मैग्नेटो स्टैटिक बोला जाता है। तीसरा जो है ये आपको ये फैराडे लॉ है, और चौथा जो है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। ठीक है, जिस जो इसमें है आंसर सही, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो नहीं गलत, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू नोट जो ये भी गलत, ये सी ऑप्शन आपका से डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो और कर लिया ये भी गलत। तो जो भी एक एक आपको यहाँ से गिवन रहेगा आप आराम से इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि माइक्रो फ्रिक्वेंसी इज मेजर, माइक्रो फ्रिक्वेंसी जो मेजर किया जाता है आपको बे मीटर मेथड से भी स्लॉटेड लाइन मेथड से भी याद कर लीजिएगा, इसका सी आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। ऑन व्हिच प्रिंसिपल मॉडर्न मैग्नेट्रॉन किस पे बेस्ड है? तो आपको बता दे बाबू कि ये मैग्नेट्रॉन बना था, क्या बना था मैग्नेट्रॉन, इस मैग्नेट्रॉन में क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल करके ट्रैवल करता है। ठीक है, इससे पहले एक हम लोग पढ़ चुके थे TWT। TWT में क्या होता है, इसमें भी इस फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे हेलिक्स बन रहा था, इसमें ट्रायंगल काटता है कौन ये। तो TWT के एक मॉडर्न बोल जाए या फिर लेटेस्ट बोला जाए, तो TWT मॉडर्न मैग्नेट्रॉन जो है किस पे बेस्ड था, तो TWT पे ही था। तो मॉडर्न मैग्नेट्रॉन किसको बोलेंगे, TWT को बोलेंगे, क्योंकि TWT को देखते हुए क्या किया गया था उसमें, मतलब मॉडिफाइड किया गया था, तो इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है मॉडर्न मैग्नेट्रॉन आपको काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। और मैग्नेट्रॉन के बारे में बता दिए कि ये क्या है, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर। TWT क्या है बाबू, एक एम्पलीफायर है। कैसा एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है। इसमें क्या होता है, हेलिक्स से यूज किया जाता है, इसमें क्या कि यूज किया जाता है, हेलिक्स से यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एटोनेटर का एटोनेटर का यूज किया जाता है ऑसिलेशन रोकने के लिए। ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए, बेसिक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी चलो, तो फ्लोइंग स्टेटमेंट टू पर टर्न आउट, टर्न आउट क्या है, तो टर्न आउट में नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये किस इफेक्ट पे बात करता है, तो ये टनलिंग इफेक्ट पे क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, टनलिंग इफेक्ट वो होता है जो ये कोई भी पीएन जंक्शन को पेनिट्रेट करते हुए आगे की ओर काम करे, तो ये इसका पीएन जंक्शन ये बहुत पतला होता है, ये जंक्शन को पेनिट्रेट करता है, अब इसी को हम लोग टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें अवेलेबल होता है पीक एंड वैली पॉइंट होता है, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका दोनों का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता है पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में ही बनता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भी जंक्शन कॉल्ड सिरी जंक्शन या फोल्ट जंक्शन बोला गया है, कि कौन सा जंक्शन को बोला जाता है, तो याद रखे बाबू, चाहे तो ई प्लेन हो चाहे एच प्लेन हो, ये दोनों में से ये क्वेश्चन आपको पूछने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिरी जंक्शन और वोल्टेज जंक्शन जो बोला जाता है इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी ई प्लेन टी को बोला जाता है सिरी जंक्शन या फिर वोल्टेज जंक्शन, एच प्लेन टी को बोला जाता है शंट जंक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है करेंट जंक्शन। ऐसा क्यों बोले थे, तो बहुत अच्छा से आप लोगों को बताया गया है कि करेंट जो होता है सीरीज में सेम होता है, शंट में डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए शंट है और शंट में करेंट का क्या होता है, डिवीजन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शंट और करेंट, और इसको बोला जाता है वोल्टेज और सीरीज, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो दोनों याद रखिएगा। और मैजिक टी क्या होता है, मैजिक टी होता है ई एंड एच प्लेन के कॉम्बिनेशन, ई एंड एच प्लेन को कॉम्बिनेशन को मैजिक टी बोला जाता है, तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, इसमें काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इसलिए होता है कि ये ग्रुप वेलोसिटी पूछता है, और ग्रुप वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला कोई ओमेगा बाय बीटा, बीटा बाय ओमेगा क्या होगा, नहीं होगा डी ओमेगा बाय डी बीटा, मतलब इस तरह कंफ्यूजन लोगों को मायने बन रहता है। तो आपको बता दे कि ग्रुप वेलोसिटी जो होता है वीजी जो होता है कि फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ फेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी जो हम लोग देखते हैं वो होता है ओमेगा बाय क्या होता है बीटा, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं उसको जो हम लोग ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी बीटा, आपको जहां भी मिले देखने को आप तुरंत से टिक कर दीजिएगा, बस ध्यान रहे कि बीटा बाय ओमेगा, ओमेगा बाय बीटा में कंफ्यूजन आपका ना हो। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होता है डी ओमेगा बाय डी बीटा होता है। आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आ गया है क्वेश्चन नंबर 11।
यानी कहता है कि आर पे जे ओमेगा एल ए जी प्लस जे ओमेगा से जी, यहाँ पे कंडक्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया गया जिसमें ए है, ये किसका रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए भाई फॉर्मूला ही है, बी डब्ल्यू आर को बता दी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का रिलेशन दोनों को बता दी, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब हम लोग टू होल डायरेक्शनल कपलर पढ़ रहे थे, तो टू होल डायरेक्शनल कपलर क्या था, यहाँ से प्राइमरी वेव बैठ देते हैं, यहाँ से क्या होता था कि दो होल हो गया था इस तरह से, ठीक है। होल को यहाँ पे सेपरेट कर दिया था लैम्डा जी बाय फोर से, एक होल यहाँ पे हो गया था, एक होल यहाँ पे हो गया था, ठीक है। ये प्राइमरी हम लोग का क्या था, वेव गाइड था, और यहाँ से कोई भी दिए थे, यहाँ से इंसिडेंट हुआ था, दो जगह पावर को डिवाइड हुआ था, तो ये होने से हुआ क्या था, तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या था, क्या टू होल डायरेक्शनल लो डायरेक्शनल कपलिंग, नहीं भाई ये तो डिसएडवांटेज ही था, ये पुअर डायरेक्टिविटी, इसका डायरेक्टिविटी क्या था, कम गया था, पुअर हो गया था, यही क्या हो गया, डिसएडवांटेज आ गया था टू होल डायरेक्शनल कपलर में, बाकी सारा हाईएस्ट डब्ल्यूआर था, हेलो बैंड सब कुछ सही था, लेकिन पुअर डायरेक्टिविटी था जो कि एक डिसएडवांटेज था, मेन डिसएडवांटेज, क्योंकि टू होल डायरेक्शनल कपलर में काफी मायने रखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी से रिलेशन आपको हो सकता है, डायरेक्शनल कपलर से रिलेशन पूछ दिया जाए, ठीक है, डायरेक्शनल कपलर से रिलेशन पूछ दिया जाए, इसमें से डायरेक्टिविटी बराबर फॉर्मूला सब याद रखिएगा, आइसोलेशन बराबर एक और आपका क्या होता है डायरेक्टिविटी, एक आइसोलेशन होता है, एक और शायद देखिए हम बोल रहे, तो ये तीन कपलिंग फैक्टर, तो ये तीनों याद रखिएगा, आइसोलेशन बराबर होता है सी प्लस डी, कपलिंग फैक्टर प्लस क्या होता है डायरेक्टिविटी, तो ये सब बेसिक चीजें हैं याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला जो टेन लॉग वाला है ये याद रखिएगा, टेन लॉग पी आई बाई क्या होता है, पी आई बाई आपका क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइसोलेशन की हम लोग बात करते हैं, तो टेन लॉग पी आई बाई पी ए प्लस पी ए बाई पी बी ए सॉरी पी ए बाई ए हो जाएगा, तो इतना चीज आप लोग क्या करना है याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था, बी था। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करके एग्जाम में एट एनी हाउ जाना ही, अगर नहीं जाते हैं बाबू तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन से ये क्या बताने वाला चीज है, क्या इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया, लेमडा पूछ लिया, तो लेमडा बराबर क्या होता है सी बाई एफ, आप लोग कर लीजिएगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 3 × 1 GHz है, तो ये 100 है, तो 100 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ये से कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा ये, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये आएगा मीटर पर सेकेंड को, सेंटीमीटर में लाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इंटू 100 से हम लोग क्या कर देंगे, ये सी देखिए दोस्तों जो है ये 0.3 ही, यानी कहीं भी आप नजर आ रहा है 0.3, तो उसको आप फट से टिक कर दीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांजिट टाइम ऑफ रेपलर स्पेस, रेपलर स्पेस का ट्रांजिट टाइम क्या होता है, n+3/4 होता है, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं, ये सारा कुछ बताया हुआ है, माइक्रोवेव पावर को मेजर करता है, बोलोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ऑन व्हिच पर्पस ऑफ रिएक्टर डायोड नॉट यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, एंड रिएक्टर डायोड जो होता है ये वेरिएबल या इसको नाम है वेरी कैप, ये क्या करता है, वेरिएबल करता है, वेरी करता है, ये रिएक्टर डायोड होता है, ठीक है। ये पैरामीट्रिक एम्पलीफायर जैसे यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन होता है, लेकिन ये ऑसिलेटर के जैसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन जो पर्पस है जो यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में नॉट यूजफुल लिखा गया था, ठीक है ना। तो 16 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑसिलेटर। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ टैंड बाई गन डायोड में जो हम लोग देखते हैं कि गन डायोड जो होता है, सॉरी 1 मिनट, देखिएगा यहाँ पे हाँ मिनट, देखिए यहाँ जो हम लोग बनाते थे इस तरह से, ये पीक पॉइंट होता था, ये वैली पॉइंट होता है, इन दोनों को बीच में क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता था, ठीक है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता कैसे था, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू लेस मोबिलिटी टू एनर्जी लेवल, अवलांच ब्रेकडाउन विथ हाई हाई वोल्टेज ग्रेडियंट,
इलेक्ट्रॉन डोमेन फ्रॉम द जंक्शन ऑल ऑफ द वे, ये इतने ऑप्शंस था। तो हम लोग देखते थे कि मोबिलिटी जो हम लोग कंडक्शन बैंड में बना देते हैं, ये लोअर मोबिलिटी अपर मोबिलिटी, लोअर मोबिलिटी और अपर मोबिलिटी दो था। तो एनर्जी जो ट्रांसफर लेस मोबाइल एनर्जी, यानी ध्यान से अगर समझते हैं इसको, चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वैली से अपर वैली में होता था, ठीक है। और मोबिलिटी क्या था कि लोअर का हम लोग यहाँ का मोबिलिटी और यहाँ का मोबिलिटी, इस तरीके से यहाँ का मोबिलिटी क्या था, ज़्यादा था, यहाँ का मोबिलिटी कम था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू लेस मोबाइल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर, लेस मोबिलिटी, यहाँ पे मोबाइल नहीं है, मोबिलिटी होना चाहिए था, लेस मोबिलिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता तब जाता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होता था तब। इसका सही आंसर एकदम बाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि लो से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ, हायर मोबिलिटी टू लोअर मोबिलिटी क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर द आउटपुट ऑफ ई आर, एकदम मतलब पूछना ही पूछना है, द आउटपुट ऑफ टू आर्म ऑफ ई प्लेन, ई प्लेन का टू आर्म का आउटपुट जो हम लोग बताए थे इसका स्केटिंग पैरामीटर के थ्रू, तो वहाँ पे आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा कि माइनस और ये, तो वहाँ सब पता चल जाएगा कि इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया था 108, इसको आप लोग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आगे है कि प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी, यानी ऐसा है कि वी पी इंटू वी जी का क्या होता है, तो ये बता दें सी स्क्वायर होता है, बहुत फेमस है बाबू, याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। देखिए यहाँ पे पूछ ही ले गया है, कैपलिंग फैक्टर भी हम लोग बात कर चुके थे, कैपलिंग फैक्टर, तो एक और हम बता देते हैं डायरेक्टिविटी, एक बता देंगे आइसोलेशन, ठीक है। तो कैपलिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, तो कैपलिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता करना है तो बहुत से कन्फ्यूजन होता है, पी आई बाई पी एफ होगा कि पी आई बाई पी बी होगा, इस तरीके से करके बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो याद रखिएगा पी आई बाई क्या होता है, पी एफ होता है, ठीक है। कैपलिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, पी आई बाई पी एफ होता है, ठीक है। अब डायरेक्टिविटी बराबर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आइसोलेशंस का फॉर्मूला याद है, आइसोलेशंस बराबर क्या होता है, सी प्लस डी होता है, डायरेक्टिविटी मतलब कपलिंग फैक्टर प्लस ये होता है। तो आइसोलेशंस का फॉर्मूला जो होता है इस तरीके से इसको सेट किया जाता है कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि आइसोलेशंस बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 10 log पी आई बाई पी बी होता है, पी आई बाई क्या होता है, पी बी होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पी एफ से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, क्या पी एफ से, एक फार्मूला बन जाता है पी आई बाई पी एफ बन जाता है इंटू, एक बन जाता है पी एफ बाई पी बी बन जाता है, ओवरऑल काट करके देखें तो पी आई बाई पी बी ही लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू होता है बाबू, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कपलिंग फैक्टर का, और ये जो वैल्यू होता है पी एफ बाई पी बी, ये होता है डायरेक्टिविटी का। तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर के बनता है आइसोलेशन फैक्टर, आइसोलेशन वाला पी आई बाई पी बी होता है, बस ये याद रखिएगा। तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद रखेगा, बस पी एफ से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिएगा, तो याद रहना चाहिए ये। तो ये 10 log पी आई बाई पी एफ इसका है, और पी आई बाई पी बी जो यहाँ पे लिखा गया है 10 log पी आई बाई पी बी आइसोलेशन का हो गया, ठीक है। अब एक और जो क्या है पी एफ बाई पी बी, ये जो हो गया ये आपका डायरेक्टिविटी का हो गया, और ये आपका कपलिंग फैक्टर का हो गया, तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से एक एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोग को, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि वेवगाइड इज यूज्ड ओनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल, यानी वेवगाइड जो यूज माइक्रोवेव सिग्नल के लिए, ओनली मेनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल, यानी वेवगाइड मेनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल के लिए क्यों यूज किया गया, क्या डिपेंड ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ अप्लाई टू माइक्रोवेव ओनली, नो, और या दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पे ये है कि लॉसेस वुड बी टू हैवी एज लो फ्रिक्वेंसी, नहीं ऐसा भी तो नहीं था, एक्साइटेशन एट लोअर फ्रिक्वेंसी इज डिफिकल्ट, नहीं, दे वुड बी टू बल्की एज लोअर फ्रिक्वेंसी, हाँ ये इसके लिए यूज किया था कि बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी जब हम लोग अप्लाई करते थे तो बहुत क्या होता था कि अब बल्कि मतलब क्या होता है कि वेट में काफ़ी ज़्यादा वो होता था, इसलिए माइक्रो ये जब वेवगाइड लगा दिया तो इससे लोअर फ्रिक्वेंसी को क्या किया हटा दिया गया, इसको हाई फ्रिक्वेंसी क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया। तो मेनली क्या था, लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्या होता था, दे वुड भी बल्कि बहुत ज़्यादा भारी होता था, इसलिए वेवगाइड को मेनली यूज किया गया है इसी पर्पज़ के लिए किया गया, तो ये चीज़ को हटाया जाए,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 21 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एटेन्यूएटर अभी बताएं कि प्रिवेंट ऑसिलेशन के लिए यूज किया जाता है TWT में। कुछ देर पहले ही एक बताए थे, TWT बता रहा है वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। फिच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव डाइट सुटेबल फॉर लो फ्रिक्वेंसी, यानी लो पावर ऑसिलेटर, यानी लो पावर ऑसिलेटर की बात कर रहा है कि कौन सा माइक्रो फ्रिक्वेंसी पे डाइट। डाइट मतलब ये मत सोचिए ना, मतलब कम कम करना या फिर लो पावर का काम कौन करता है। तो गन इम्पैक्ट डायोड या गन डायोड, टनल डायोड, इस तरह का आपको ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, टनल डायोड जो है आपको लो पावर ऑसिलेटर के जैसा काम करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर VSWR, VSWR के लिए करेक्ट क्या है। तो VSWR का वैल्यू जो वेरीज करता है, मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये बोलता है कि पाराबोलिक एंटीना क्या होता है। पाराबोलिक एंटीना नॉन डायरेक्शनल, नहीं फिगर ऑफ एट, नहीं हाई डायरेक्शनल, ये होता है ओमनी डायरेक्शनल, याद रखिएगा। ठीक है, पाराबोलिक एंटीना जो होता है, ये पाराबोलिक एंटीना जो होता है, ये यूज जो किया जाता है 5000 MHz पे यूज किया जाता है। कितना पे यूज किया जाता है, 5000 MHz पे यूज किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन कोएफिशिएंट ऑफ 1/3, अभी अभी हम बात करें फाड़ी तो भाई लोग भी है, तो क्या होता है 1+1/3 बटा 1-1/3, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2, यानी 2 2 जहाँ पे है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि VSWR बराबर अभी बताएं कि 1+k/1-k बराबर VSWR होता है, अभी बताएं तो बस ये फॉर्मूला पे k के जगह पे 1/3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि 27-28 हो जाएगा। इम्पायर डेवर फेज डिफरेंस करेंट और वोल्टेज, करेंट और वोल्टेज में हर एक का करेंट 90 डिग्री और वोल्टेज आपका 90 डिग्री का क्या होता है कि फेज शिफ्ट होता है। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। करेंट और वोल्टेज दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीका से वैल्यू हम लोग देखा जाता है, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक देखा जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 90, 180 डिग्री करेंट और वोल्टेज के रूप में यहाँ पे फेज डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आठवां क्वेश्चन, वेवगाइड। वेवगाइड जो है आपको बता दे कि TE मोड को भी सपोर्ट करता है, TM मोड को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होना है TE मोड की, TE एंड TA मोड ओनली। तो देखिए यहाँ पे 29 का आपको आंसर जो होना है TE एंड TA मोड ओनली होता है, चाहे TE के लिए यूज कर ले या TM के लिए यूज कर ले, दोनों के लिए नहीं, एक होता है TE और TA मोड, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए TE और TA मोड। तो ऐसा ही ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो आपको आएगा बोथ ए एंड बी, इस तरीका से ऑप्शन आएगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। इसी के टर्म में हम लास्ट ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हॉर्न एंटीना यूज फॉर माइक्रोवेव सिग्नल, तो हॉर्न एंटीना जो यूज होता है बाबू, ये ट्रांसमिशन पर्पज से भी और रिसेप्शन पर्पज से भी यूज होता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसके साथ बहुत से एक्सेप्शनल, मतलब बहुत से अलग इसके रिलेटेड हम लोग आके क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वो इतना करके जाने के बाद प्रीवियस ईयर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग 2018 से लेकर के 2021 तक सारा क्वेश्चन आपको भेज दिया गया है, आप लोग खुद से करने का ट्राई कीजिए, खुद से कीजिएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।